कुंभ में किया जा रहा है स्नान और कल्पवास। प्रयागराज में कुंभ में आए देश और विदेश से लोग यहां पर संगम में डुबकी लगाकर धन्य हो रहे हैं। तीर्थराज प्रयागराज में दूर दूर से लोग यहां कल्पवास करने के लिए आते हैं और अपना धर्म निभाते हैं। जो कुंभ में कल्पवास करते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। मेले में पुलिस प्रशासन भी अच्छा सहयोग दे रहा है। अशुल्क दास प्रदीपानंद जी महाराज का कहना है कि ये युग कलयुग है और कलयुग में लोग जितना कुंभ दर्शन करके स्नान और कल्पवास करें उतना कम है। सारे तीर्थों का राज है, राजा है, इसलिए इस तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। यहाँ बूंदों ज़्यादा मात्रा में गिरी क्योंकि यहाँ तीन नदियों का संगम है। सरस्वती अभी अदृश्य है। नासा की एक शोध हुई है कि ये नदी आज के करीब 10,000 साल पहले बहती थी, अभी वो विलुप्त हो गई है। तो तभी से युगों युगों से इस स्नान का बड़ा महत्व है। लोग इस आध्यात्मिक ऊर्जा का, क्योंकि जहाँ अमृत गिरा हो वहाँ लोगों का मन एकदम निर्मल हो जाता है, और यहाँ का स्नान करने से, यहाँ कल्पवास पे मैं ज़्यादा जोर देना चाहूँगा, क्योंकि इतना बड़ा मेला आयोजन हुआ है इस बार कि कल्पवास क्षेत्र में लोग कल्पवास के लिए आते हैं। कल्पवास का मतलब एक कल्प माने समय भी होता है, तो उतना समय तो नहीं लोग रहते हैं। कल्प बहुत बड़े समय का नाम है, सरस्वती इकाई समझ लीजिए समय। तो यहाँ जो लोग गृहस्थ के बाद, जैसे हिंदू धर्म में 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ है और संन्यास। गृहस्थ के बाद के लोग यहाँ कल्पवास करने आते हैं, जिनकी उम्र लगभग 60 साल 55 साल। चूँकि कल्पवास का मतलब होता है कि आप धीरे धीरे वानप्रस्थ का मतलब होता है कि लोग अपनी माया मोह को कम करते हुए गृहस्थ को छोड़ते हैं धीरे धीरे। इसलिए 12 वर्ष पे कुंभ लगता है, यानी 12 वर्षों में आप एकदम से अंदर से निर्मल हो जाएंगे और उस पार ब्रह्म परमेश्वर की तरफ आप रुख करेंगे, जिससे कि ये आत्मा और परमात्मा का मिलन हो सके। तो इसका यही महत्व है कि यहाँ लोग आवें और हर वर्ष किसी न किसी एक मानसिक बीमारी का यह त्याग करें। यहाँ आना और एक महीने रहना, खाना और वही जो गांव में करते हैं, शहरों में करते हैं, अगर वही यहाँ करना है तो ये कल्पवास का मतलब नहीं हुआ। कल्पवास का मतलब होता है कि आत्म साक्षात्कार करें, खुद को जानें, नो दाई सेल्फ करके है कि अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें कि मैंने इन 50-60 सालों में क्या किया और अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ अपने लिए और राष्ट्र के लिए। चूँकि ये युग कलयुग है, कलयुग में लोग बहुत ही स्वार्थी हो गए हैं, स्वार्थ परक जीवन जी रहे हैं। स्वार्थ की वजह से लोग ऐसे हो गए हैं कि वो, आप समझिए कि किसी भी चीज़ का त्याग करने की इच्छा नहीं रखते। कल्प माने इच्छा का हनन, यानी यार कल्पवास कर रहे हैं तो आप यहाँ अपनी किसी न किसी इच्छा को छोड़ दें कि आज से मैं काम नहीं करूँ। काम मीन्स वो वाला काम, क्रोध नहीं करूँगा, मोह नहीं करूँगा, ईर्ष्या नहीं करूँगा, किसी के पेश द्वेष नहीं रखूँगा, ना माया के पीछे नहीं भागूँगा, यानी मैं अपना जीवन उस परमात्मा जैसा बनने की कोशिश करूँगा। तो ये कल्पवास हो गया। रही बात स्नान की, तो स्नान शास्त्रों में 3 प्रकार के बताए गए हैं। जैसे जो गृहस्थ जीवन में आदमी रहता है या हम लोग जैसे हैं, तो गृहस्थ के लिए स्नान है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सूर्योदय से 45 मिनट पहले और बाद। और 45 मिनट और पहले अगर सूर्योदय के हो जाए, यानी 2 घंटे पहले गंधर्व यक्ष स्नान होते हैं, उस स्नान में नदियों में प्रवेश वर्जित बताया गया है। क्योंकि हर आदमी के लिए, जैसे अभी शाही स्नान में अखाड़े आते हैं कि 4:45 सेन का अखाड़ा स्नान करेगा, यानी भगवान के यहाँ से भी डिप्यूट है टाइम कि आप ब्रह्म मुहूर्त से 2 घंटे पहले गंधर्व किन्नर यक्ष ये लोग स्नान करते हैं नदियों में। नदियों के पानी को स्पर्श नहीं किया जाता गृहस्थों के लिए, यानी साधारण मनुष्यों के लिए। इनका वक्त ब्रह्म मुहूर्त निर्धारित किया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से यहाँ के वायुमंडल में ऑक्सीजन बहुत होती है, उस दौरान लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, इसीलिए कि थोड़ी सी ऑक्सीजन अच्छी रहे, मस्तिष्क काम अच्छा करेगा, दिल और दिमाग दोनों ही तंदुरुस्त रहेगा। जब आप
दोनों रूप से तंदुरुस्त रहेंगे तो आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा करें। लेकिन आजकल सब उल्टा हो रहा है, 2 बजे तो लोग सोते हैं, सुबह 10 बजे उठते हैं तो राक्षस स्नान करते हैं। 7:30 के बाद अभी राक्षसी स्नान स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सूर्य जब निकलता है, अभी तो लेट निकल रहा है, ठंडी है, गर्मियों में 5 बजे के अराउंड निकलता है, तो वहाँ ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है, अभी ब्रह्म मुहूर्त 6:15 बजे से स्टार्ट होता है। तो ये इसकी प्रक्रिया है, इससे आंतरिक लाभ भी हैं और बाह्य लाभ भी हैं। अपना परिचय बताएं। मैं अशुल्क दास प्रदीपानंद, छोटी काशी दिलीपपुर प्रतापगढ़ का निवासी हूँ। मैं आज से, मेरा जीवन काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा है। मैं क्लास 5th में था तो मेरे फादर का डेथ हो गया, 12th में मेरी माँ की भी डेथ हो गई, धीरे धीरे परिवार में हमारे एक बड़े भाई थे उनकी भी डेथ हो गई। लेकिन इस दौरान मैंने पढ़ाई बंद नहीं की। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से MA हूँ इंग्लिश इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी से, IAS की परीक्षा भी दे चुका हूँ, इंटरव्यू भी दे चुका हूँ। जब नहीं सफल हुआ तो मैंने CAT के माध्यम से बॉम्बे से MBA किया, 2005 में पास आउट हुआ। उसके बाद मैंने करीब 9 साल नौकरी की, लेकिन मुझे कुछ शांति नहीं मिली। शांति मीन्स जो मैं चाहता हूँ कि मनुष्य का जीवन किस लिए बनाया परमात्मा ने, वो तभी संभव है जब आप अपने को जानेंगे। आप अपने को जान नहीं रहे हैं, दूसरों को जानने की कोशिश में लगे हैं। ठीक है, तो यही है। उसके बाद मैंने 2014 में बंद कर दिया, उसके बाद ये आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूँ। संयमित जीवन है, नियमित जीवन है, बड़ा आनंदित जीवन है। और प्रथम बार इस कुंभ में आया हूँ, सरकार के द्वारा प्रदत्त भूखंड पर मैं बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ।